Hey, what is up, homies? It's your boy Hardik, and you're watching Logical Bakwas. तो भाई आज का सीन क्या मैं बता देता हूँ. आज की वीडियो में रूम टूर, क्योंकि आई डोंट नो क्यों लोग एक्साइटेड थे. मैंने बोला था कि भाई रूम टूर दिखाऊंगा, बट मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मेरे रूम में ऐसा कुछ दिखाने के लिए है. बट यू नो बहुत दिनों से मेरे को रिक्वेस्ट आई थी कि भाई रूम टूर दिखाओ, रूम टूर दिखाओ. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ रूम टूर. और आज तुम्हारा भाई रूम टूर बनाने वाला है फाइनली, इतने दिनों के बाद. अभी ये लाइट चल रही है, सामने मेरी रिंग लाइट है. तो आज की वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ से चीज़ें कौन कौन सी उठाई हैं, कहाँ कहाँ से ली हैं, एंड कैसे मैंने ये पूरा सेटअप किया हुआ है. और मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ जोड़ ली है मेरे पास. इसी रूम में छोटा सा फ्रिज है, छोटी सी मिक्सी है, छोटे से टोस्टर है. यू नो अगर कभी किसी से कुछ भी ख़राब हो, यहाँ पे किचन विचन में किसी से लड़ाई वड़ाई हो, यहाँ पे कोई नेगेटिव इन्वायरमेंट हो रहा हो, कभी भी यू नो जब तुम लोगों के साथ रहोगे तो होगा. तो मैं अपने यहीं छोटे से रूम में अंदर से कुछ भी बना के खा सकता हूँ, छोटा मोटा चीज़, यू नो स्मार्ट वर्क. So without wasting any time, let's get started. Or now roll the intro. So आइए यहाँ से अंदर आइए हमारे कमरे में, you know. आ जाओ भाई, आ जाओ, पूरा अंदर आ जाओ पहले, उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये साउंड प्रूफ घर नहीं है हमारे. तो भाई सबसे पहले हमारे रूम में, घर में आते ही, मतलब मेरा घर ही हो गया ये रूम में, हमें सबसे तुम देखो तुम्हारे भाई ने प्लांट्स रख रखे हैं, यू नो. थोड़े ये तीन प्लांट रखे मैंने, ये तो नकली वाले, ये प्लांट्स रख रखे हैं. इसका मेरे को नाम नहीं पता भाई, सस्ते मिले थे इसलिए लेके आया था मैं, नाम नहीं पता. साइंटिफिक नेम थे इसके कुछ अजीब से, मेरे को नहीं पता. और भाई ये देखो तुम्हारे भाई का डस्टबिन अलग से ले रखा है भाई लोगों ने. वैसे यूजुअली ट्यूजडे को यहाँ पर डस्टबिन करने का दिन होता है, बट मैंने अलग से ले रखा है. और ये पहला फुटमैट, और ये 100 के जब हुए थे तो मेरे दोस्तों ने लगवाया था ये 100 के, और गुब्बारे रख गए थे ये वाले. ये मैंने फोड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर फोड़ूंगा तो साफ मुझे करने पड़ेंगे, तो अपने आप फुस होकर अलग हो जाएंगे. ये तुम्हारे पता है तुम्हारे भाई को टोपी का कलेक्शन. जब से मैंने बताया ना भाई सबको कि मेरे पास टोपियाँ बहुत हैं, उससे के बाद से क्या हुआ, मेरी टोपियाँ गायब हो रही हैं, टोपियाँ मिल नहीं रही मेरे को. नाउ मूविंग ऑन टू द बेस्ट पार्ट, जो मेरे को ज़्यादा पसंद है वह मेरा वार्डरोब, जो मैं दिखाना नहीं चाहता. बहुत बुरी तरीके से बहुत गंदा है, बहुत मैसी है भाई. आई वॉन्ट टू शो दिस, बट हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अच्छे से दिखाता हूँ. ये मैंने टोस्टर लिया था $20-$30 का वॉलमार्ट से, विच इज़ अ वेरी गुड डील. फिर उसके बाद मैंने ये लिया था, ये टेबल मैं उठा के लाया था कहीं से, मतलब कहीं से मिली थी. और ये मिक्सी है, ये भी मैंने ब्लैक फ्राइडे और वॉलमार्ट की कुछ सेल थी उसके आसपास ली थी. और ये प्रेस पड़ी है, और यू नो हाउ मच आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कलर. ये मैंने गमले के लिए लिया था, एक फ्लावर के लिए, मतलब फ्लावर पॉट का समथिंग कुछ लगाने के लिए, बट वो ऐसी है अभी, ऐसी खाली पड़ा हुआ है. पहले उसमें मैं डस्टबिन, मतलब कूड़ा रखता था, अब नहीं रखता. ये वाली बोतल और ये मैच कर रहे हैं ऐसे ही बस, यू नो. तो और ये है हमारा ट्रिबिट का स्ट्रॉन्ग बॉक्स का स्पीकर, इफ यू वांट टू बाय इट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. मेरे को ये स्पॉन्सर के थ्रू आया था. तो नाउ मूविंग ऑन टू द बेस्ट पार्ट, मैं हमेशा से चाहता था, जब मैं इंडिया में भी था तब से चाहता था कि यार मेरे एक अपनी टेबल हो जिसमें मेरे को जो चीज़ें पसंद है मैं वो रखूं. तो ये जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इसमें जो जो मुझे पसंद है ना, सारे के सारे चश्मे हैं. और सबसे फेवरेट मेरा ये वाला है, तुम्हारे भाई पे सबसे ज़्यादा सूट करता है थग लाइफ वाला चश्मा. इसमें बैठ के मोमेगल पे भी बहुत आता हूँ. तो और फिर उसके बाद ये है ब्रिलियंट सी लाइट है हमारी, ये फ्लैश लाइट बहुत ही अच्छी है. ये जो मुझे मिला था ना पूरा स्टूडियो सेटअप करने के लिए, थोड़ा बहुत छोटा सा गरीब बस स्टूडियो है, तो इसको मेरे को $40 में मिला था फेसबुक मार्केट प्लेस से. और दिस इज़ फॉर फ्री, ये मेरे को फ्री में मिला था. ये मैं लाया था पालिका से, इंडिया से लेकर आया था 100 रुपये की. और ये गोप्रो का मेरे को एक और ट्राईपॉड मिला है फ्री में, मतलब तुम्हें जानना था इसलिए. बाकी ये जो है ये दिस इज़ फॉर $20, ये $20 की है, ये शीन पे भी मिलती है. मेरे को एक दिन दिख रहा था, मैंने ले लिया. एंड नाउ द बेस्ट पार्ट, भगवान जी हैं यहाँ पे, मंदिर है हमारा. दिवाली में मैंने 2 दिए से जलाए थे छोटे से, और ये हनुमान चालीसा है. ये मेरे को अपने ना विद्या बालवन स्कूल जिसमें मैं पढ़ता था वहाँ से मिली थी जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था, और ये अभी तक मेरे पास है. तो बाकी ये सब चश्मे के सेक्शन है. ये मेरा पावर वाला चश्मा है, यू नो चश्मे लगे हुए हैं. और ये होप है भाई, मैंने ये होप इसलिए लिखा था क्योंकि एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा होपलेस था, और मेरे को यही सेम एक गमले से आइडिया आया था, उसमें ना होप लिखा हुआ था, और वो $5 महंगा था. आया था कि इसी में होप लिख देता हूँ, काम तो वही करेगा. सो दिस इज़ वाई लगी, इसको मैंने मंदिर के पास रखा इसलिए. और आगे आते हैं, तो दिस इज़ माई फेवरेट सेक्शन. अगर तुम इसको देखोगे ना तो ये मेरा फेवरेट सेक्शन है. ये है मेरा GoPro Hero आई गेस 07A, जो ख़राब हो चुका है फाइनली. ये इसलिए ख़राब हुआ था, मैंने इसको हॉट वाटर में डाल दिया था. अगर तुमने मस्कोगा का ब्लॉग देखा है उसमें डाल दिया था. दिस इज़ Hero 8, मैं इससे नहीं बना रहा ब्लॉग, क्योंकि यू नो रूम का अच्छा नहीं आता, लाइट थोड़ी वैसे झकझक करती है इसमें भी. और बाकी ये माइक है मेरे पास, लोग कह रहे थे आप हार्दिक भाई आप माइक यूज़ करते हो नहीं करते, तो मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ. ये वाला माइक जूम H1 वाला माइक है, इफ़ यू वांट टू बाय अमेजोन पे देख सर्च कर लेना. और बाकी ये G7X Mark II मेरा जो अभी रिसेंटली ख़राब हुआ है,
तो रिसेंटली करा, इसको भी इंडिया जाके ठीक कराना है। दीज आर माई कस्टमाइज यू नो एप्पल एयरपॉड्स फॉर फ्री। और बाकी तो ये सब सेक्शन है, यहाँ पे मैं बुक्स रखता हूँ ज़्यादातर ना, मैं यहाँ पे बुक्स रखता हूँ अपनी छोटी मोटी। और ये वाली बुक ना मेरी पहले सेमेस्टर से चल रही है, मेरा सेमेस्टर भी खत्म होने वाला, अभी तक भरी नहीं है ये वाली। एंड यहाँ पे तो मेरी यूट्यूब की वीडियो चल रही थी, ये मेरा गेमिंग लैपटॉप है, यहाँ पे मैंने वॉलपेपर लगा रखा है। एंड ये थोड़े थोड़े नोट्स हैं अपने आप के, अपने आप को खुश करने के लिए। इफ़ यू आर रीडिंग दिस स्माइल, सो इफ यू आर रीडिंग दिस स्माइल एंड यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर ऑसम, कीप स्माइलिंग। और एक यहाँ पे भी है, यू आर नथिंग लेस देन स्पेशल। सो ये सब मेरी राइटिंग है भाई, मैंने लिखा है, तुम्हें लग रहा हो किसी और ने लिखा है। एंड दिस इज कोकोनट वाटर भाई, ये थाईलैंड में बनता है। कोई मेरे को, जिसने मेरे पहले के ब्लॉग देखे उसको पता होगा तुम्हारे भाई को कितना पसंद है। इतना तेज बोल रहा हूँ कि मैं थक चुका हूँ। नाउ आगे आते हैं, यहाँ पे मैंने ना ये रूम फ्रेशनर रख रखा है, और ये टाइड वेड कपड़े धोने का, और ये वाला हेयर ऑयल है जो मैं यूज करता हूँ। अच्छा है भाई, ये मेरे बाल अच्छा आ रहा है इस बार, अभी गंजा हुआ था। ये स्टॉप वॉच, मतलब दिस पेंटिंग वॉज मेड बाय अंजलि, उसने बनाई थी, मेरे को दी थी, बहुत अच्छी है, नाइस। और ये एक और मेरे दोस्तों ने, जब वो 100K का था तब लाए थे। और इस टोकरी में, ये टोकरी मेरे को यहीं से मिली है, ये हमारे लैंडलॉर्ड ने रख रखी थी, तो इसमें मैं फ्रूट्स रखता हूँ, केले अभी खत्म हो गए हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पे जितने मैकडॉनल्ड्स के सॉस आते हैं वो इसमें, केचप इसमें रख देता हूँ। एंड दिस इज द फेवरेट सेक्शन, ये भी मेरा अच्छा एक छोटा सा सेक्शन है, यू नो छोटा सा रूम है यार, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं तो एग्जैजरेट करूँगा। ये लैपटॉप बैग है मेरा, लैपटॉप ये रहा, ये मेरा सिक्योरिटी में ले आने के लिए और कहीं ले आने के लिए। और दिस इज माई फेवरेट थिंग, यू नो मेरा टेनिस रैकेट, और तुम्हें पता है नियॉन कितना पसंद है तुम्हारे भाई को, हर चीज़ यहाँ पे नियॉन नियॉन मिलेगी। ये वाली लाइट है, आई गेस 35-55 डॉलर्स की थी, इंडिया में शायद सस्ती मिलती होंगी, तो इसका कलर चेंज होता है ऐसे, ये सारे रिमोट है सॉरी। ये वाला फेवरेट ब्लू ही रहने देता हूँ अभी, क्यों ना रेड और ब्लू मेरे दोनों शक्ल और हुलिये से मैच कर रहे हैं। एक सेकंड में लाइट बंद करके दिखाता हूँ क्या सीन है। ओहो भाई साहब डोप लग रही है वैसे तो, लाइट बंद करके अच्छा है ना, तो इसको लाइट वापस चला दूँ क्या। नाउ द थिंग इज कि ये है, ये जो मेरा सेक्शन है ना, ये वाली मैट, तो ये मैट मिली थी मेरे को डॉलरामा से। एंड ये जो है, ये भी मैं डॉलरामा से लाया था। और एक और चीज़ मैं दिखाना भूल गया, वो ये थी, ये मैंने आकाश के साथ ली थी, जो मेरा पहला रूममेट था, आकाश और मैंने ली थी। तो आकाश के पास वो प्रेस ले ली थी उसने, तो मैंने ये ले ली, यू नो हमने कॉन्ट्री करके ली थी आकाश और मैंने। और ये कैलेंडर है जो मैंने शायद इसमें सिर्फ 2 महीने ही मैंने अपने वो बनाया रूल्स, उसके बाद नहीं बनाया, निकल के नहीं रहा ये बहुत। अब इसमें मैं पर्रे बनाता हूँ पढ़ने के लिए भाई, ऐसे चीटिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए। और एक और ये वाली शिट टू डू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मेरी। नाउ मूविंग ऑन दिस पार्ट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई मैं बैठ के आराम से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं खाने पीने का सामान रखता हूँ, पिज्जा पॉप्स है, जो इंडिया में मैक पफ नहीं मिलता वैसे वाला टेस्ट है इसका। यहाँ पे मैंने अपने ये बेगल रखा है, सो इस चीज़ के बारे में, बेगल के बारे में बताता हूँ कि यार अगर तुम कैनेडा में आए और तुमने बेगल नहीं खाया तो तुम्हारा कैनेडा आना व्यर्थ, बर्बाद। साल में तुमने बेगल नहीं खाया तो क्या ही खाया। ये मैं बेगल बहुत अच्छा बनाता हूँ भाई, अगर तुम आओगे कैनेडा तो तुम्हें जरूर खिलाऊंगा एक बार। ये माइलो भाई बचपन की याद दिला देता है, हनी वनी पड़ा है, टिश्यू पेपर, गुड़ की पट्टी भाई, अलग ही फूड गैस आता है इसे खा के। और ये मेरा हेलमेट है, यू नो छोटा मोटा सेक्शन है यहाँ पे मेरे, ये पड़े हैं ठंड में ले आने के लिए, यू नो। और दिस इज द मेन सेक्शन, अगर आप यहाँ से आओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा पता व्यू आएगा। तो ये जो मेरा सेक्शन है ना, इसको देखो, ये मेरा है, हमारा मेरा दीदी ने दिया था मेरे को, वैसे तो मैंने लिया, ये फ्रिज लिया, छोटा सा फ्रिज है, दिस इज $120, बट ये काम बहुत अच्छा करता है क्योंकि इससे तुम बहुत पीसफुली रह सकते हो, यू नो तुम्हारे को ये झंझट नहीं होगा किसी ने तुम्हारा दूध पिया, किसी ने तुम्हारे अंडे खाए, किसी ने कुछ खाया, जो मेरे को ऐसा चीज़ लगती है कि जो लोग यू नो कॉमन उसमें खा लेते हैं, तो मैंने इसलिए अपने में रख रखी है। सबसे ज़्यादा तो मेरी ड्रिंक्स, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में मूव हुआ था तो थोड़ी बहुत इशूज आ रहे थे, तो आई थॉट ऑफ यू नो पनीर प्रोटीन रिच। बाकी ये मैंने मे वो ले रखी है, यहाँ पे डाल रखी है, अभी तो ये थोड़ा खाली है क्योंकि मेरे को अभी ग्रॉसरी करनी है। नाउ दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई बॉट इन कैनेडा, ओह शिट चल गई तो भाई, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये इसलिए पसंद है क्योंकि आई लव दिस। और मैं भाई जब भी मेरा मूड खराब होता है मैं इसको राइड पे लेके चल देता हूँ। अभी स्नो जैसी खत्म हुई है, अभी भी स्नो पड़ रही थी, फिर अब एकदम से सब ऑफ हो चुका है, स्नो नहीं है। एंड दिस इज द मैप। और एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है, तो बेड है भाई छोटा सा अपना, ये यहीं से मिला था तो मैंने लिया नहीं, मैंने अपना जो मैट्रेस है वो नीचे खुला है। इधर आओ पास में, तो मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, ये जो है ये बहुत सोच के मैंने बना चिपकाया है, वैसे बनाया गया डॉलर में से लिया था, तो एक चीज़ दिखाता हूँ। ओह शिट,
एक चीज दिखाता हूँ इसमें, ये हमारा इंडिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसको ना वैसे मैप के अकॉर्डिंग जो मतलब इन्होंने दे रखा था उसमें ये यहाँ यहाँ लगे हुए थे, मैंने इसको ऐसे लगाया और यहाँ हाथ पे लगाया, यू नो थोड़ा अपना दिमाग लगाया, बस दैट्स इट। और ये मेरे को हमें सस्ते में मिला था, मेरे को $10 में मिले थे दोनों, तो वैसे ये $20-$30 के होते हैं। एंड दिस इज द थिंग गाइस, दिस इज माय रूम। तो भाई अभी मैं एडिटिंग कर रहा था तो मैं एक चीज़ भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका रेंट कितना है। तो भाई इसका रेंट है $750 और ये सेकंड फ्लोर पे है। आप जैसे इंडिया में जिसको हम फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, यहाँ पे उसको सेकंड फ्लोर बोलते हैं, तो ये सेकंड फ्लोर पे है। एंड तुम अगर इसको इसके साथ शेयरिंग में रहोगे तो तुम्हें 375 ईच पड़ेगा। सो बस यही थी कहानी मेरी और यही था रेंट, अगर तुम्हें रेंट का पता करना है। और बाकी लोग मेरे से पूछेंगे तुम रूम कैसे मिलेंगे, तो किजीजी से मिलेंगे, मार्केट प्लेस से मिलेंगे, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं उससे मिलेंगे, तो मिल जाएंगे। एंड ये मेरे को बीच में जोड़ना था इसलिए मैंने बताई ना, अब फिर से ब्लॉग देखो। बाकी यही है मेरी भाई छोटी सी कुटिया, इसी में हम रह रहे हैं। और मैंने शायद आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग जो इस घर में है मेरे पास। बस मैंने छोटी सी जगह में मैंने मेंटेन करके रखा है हर चीज़। और भाई एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं आया था ना तो मैंने ये लिखा था रोड टू 100 के, ये मैंने वॉलमार्ट से लिया था, सॉरी ये डॉलामा से लिया, ये भी रोड टू 100 के लिखा था, बट अब मेरे 100 हो चुके हैं, तो शायद अब मैं लिखता हूँ रोड टू 200 के। इसको मैंने मिटाया नहीं था और आज मैंने नोटिस किया, सो दिस इज द थिंग। बाकी तो भाई सपने देखो भाई, सपने जरूर जरूर पूरे होते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर लाइकिंग और भाई प्यार देने के लिए, ये 100K आपकी वजह से है, मैंने जितना भी थैंक्स करूं कम है। सो यार गाइस दैट्स प्रीटी मच इट, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, इफ यू डिड मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट, स्टे ऑसम, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब लॉजिकल बकवास, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। भाई अभी मेरे पे थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा ऐसे रैंडम व्लॉग्स बना रहा हूँ, मतलब ये तो बहुत थॉट्स के बाद बनाया था मैंने, बट आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा बॉम्ब होने वाली हैं, यू नो तुम्हें नेक्स्ट 2 वीक्स में बहुत बढ़िया वाला सरप्राइज मिलेगा, तुम उसे कमेंट सेक्शन में गेस कर सकते हो कि क्या हो सकता है वो, बट यू नो सो दैट्स प्रीटी मच इट गाइज, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। और भाई सपने देखो, सपने ज़रूर ज़रूर पूरे होते हैं, एंड आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, पीस आउट।